So student, today we are going to learn your maths first chapter, building with bricks. Bricks का मतलब क्या होता है? ईंटें जिससे दीवार बनती है, ठीक है? Brick patterns for Jagriti School. Jagriti School करके एक स्कूल है जिसकी brick pattern के बारे में हमें यहाँ पर discussion करना है. This is the true story of Jagriti School in मुर्शिदाबाद. मुर्शिदाबाद कहाँ पर है? यूपी में, सॉरी वेस्ट बंगाल में है सिचुएटेड. वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद करके एक छोटा सा गांव है, वहाँ की बिल्डिंग की, जो जागृति स्कूल की जो बिल्डिंग है उसकी ब्रिक के बारे में हमें यहाँ पर, ब्रिक की पैटर्न के बारे में हमें यहाँ पर डिस्कशन करनी है. देयर वॉज अ प्लान टू मेक ब्रिक पैटर्न ऑन द फ्लोर एंड वॉल्स. जमाल, काला एंड पी आर वेयर मैसोन फॉर द ब्रिक वर्क. मैसोन क्या होते हैं? जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, मैसोन. दे वॉन्टेड टू गेट न्यू आइडिया फॉर स्कूल बिल्डिंग, सो दे टुक देयर अदर फ्रेंड्स टू सी द ओल्ड टॉम्ब ऑफ मुर्शिद कुली खान. सी फोटोज, यहाँ पर फोटो आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये फोटो जो है वो टॉम्ब एक है मुर्शिद कुली खान करके, उसकी ये टॉम्ब की फ़ोटो है. उन्होंने सोचा, ये जो थ्री मैसोन थे उन्होंने सोचा, जमाल, काला और पीआर करके जो तीन मैसोन थे, उन्होंने सोचा कि हम लोग जो स्कूल की फ्लोर की जो है पैटर्न, उसको एक टॉम्ब है उसकी तरह से बनाएंगे. दिस बिल्डिंग हैज़ अ बिग फ्लोर विथ अबाउट 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक पैटर्न. यहाँ पर मोर देन 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक पैटर्न बनी हुई है. देयर वर मेड बाय मैसोन लॉन्ग बैक अबाउट 300 ईयर्स अगो यानी कि 300 साल पहले किसी मैसोन ने इसकी पैटर्न बनाई थी. ये जो टॉम्ब है इसकी, मुर्शिद कुली खान की जो टॉम्ब है उसकी ये फ़ोटो है. ये 1-2 करके जो भी ये फ़ोटो है पूरी, वो उसकी फ़ोटो है. ये देखिए, ये फ़ोटो यहाँ पर जो आपको दिख रही है, ये भी नंबर 4 की और नंबर 5 की, ये सारी फ़ोटो जो है वो उस टॉम्ब की है. कौन सी टॉम्ब? मुर्शिद अली खान करके जो है उसकी टॉम्ब की ये फ़ोटो है. विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक मोस्ट? आपको इनमें से आगे जो दो हैं और इनमें से कौन सी जो है सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है? ओके, सो यहाँ पर हैव यू सीन सच पैटर्न एनीवेयर? आपने ये वाली पैटर्न जो है वो कहीं और किसी जगह पर देखी है? द मैसोन केम बैक एक्साइटेड. जमाल सेड, इन दोज डेज दे हैड मेड सो मैनी इंटरेस्टिंग ब्रिक पैटर्न्स. जब पुराने ज़माने में ये बनते थे, मकान वगैरह बनते थे, तो उनके पास हमारे जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर फिर भी उन्होंने जो अपनी टेक्नोलॉजी, 300 साल पहले की टेक्नोलॉजी है, उनको यूज़ करके कितनी ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनाई है. तो ये जो जमाल और हमारे जो तीनों मैसन थे, वो वहाँ पर जाके उन्होंने ये सारा देखा और सोचा कि हम लोग अपने स्कूल के लिए यही वाला पैटर्न इस्तेमाल करेंगे. वी हैड फॉरगॉटन दिस, हम लोग ये भूल चुके थे. लेट अस मेक सम नाइस डिज़ाइन ऑन द फ्लोर ऑफ द स्कूल. ये वाली जो हमारी स्कूल है जागृति स्कूल, उसमें हम लोग ये वाले पैटर्न फिर से बनाएंगे और अपनी जो पुरानी कलाकृति है, पुरानी संस्कृति है, उसको फिर से जिंदा करेंगे. ईच मैसोन मेड अ डिफरेंट ब्रिक पैटर्न, हर एक मैसोन ने अपनी अलग पैटर्न बनाई. द स्कूल इज़ प्राउड टू हैव सच ब्यूटिफुल बिल्डिंग, स्कूल की जो बिल्डिंग है वो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत बन गई. चिल्ड्रन प्ले एंड सिंग ऑन इट एंड Also make new pattern themselves. बच्चे यहाँ पर खेलते हैं और अपनी अलग अलग पैटर्न अपनी तरह से भी बनाते हैं. यहाँ पर आप देखिए, बहुत सारी पैटर्न आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है. देखिए आपने, ये वाली पैटर्न अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, पूरी पैटर्न बच्चों ने और जो मैसोन है उन्होंने मिलके बनाई है. यहाँ पर ये देखिए, ये वाली पैटर्न अलग है, फिर ये पैटर्न, ये भी अलग है, ये वाली पैटर्न, ये वाली पैटर्न, ये सारी पैटर्न जो है वो जागृति स्कूल में आपको मिलेगी. वहाँ पर उनके जो मैसोन हैं उन्होंने ये पूरी पैटर्न अपनी स्कूल में बना के रखी है. सो यहाँ पर ये सारी पैटर्न एक बार फिर से आप लोग ध्यान से देखिए. पैटर्न नंबर ए, देन बी, देन सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे एंड के. ओके, सारी पैटर्न आपने ध्यान से देखी. ओके, अभी मुझे इसमें से आंसर दीजिए. ये वाली फ़ोटो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजूंगी. आप मुझे ये आंसर दीजिए, विच पैटर्न इज़ मेड इन अ सर्कल? इनमें से जो सारी पैटर्न है उनमें से आपको सर्कल कहाँ पर दिखाई दे रहा है? पैटर्न में आपको कहीं पर सर्कल दिखाई दे रहा है ना? ओके, तो मुझे इसका आंसर लिख के भेज दीजिए.
ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पैटर्न यू कैन शो मिरर हाउस, ड्रॉ अ लाइन। आपको ये जो सारी पैटर्न यहाँ पर ए से लेके के तक की दिख रही है, उसमें से मिरर हाफ कौन सा दिख रहा है। मिरर हाफ माने सिमेट्री पैटर्न। मिरर हाफ माने क्या होता है? सिमेट्री पैटर्न। सिमेट्री पैटर्न आप लोग थर्ड स्टैंडर्ड में सीख चुके हो, राइट। सिमेट्री पैटर्न क्या होती है, क्या होती है सिमेट्री पैटर्न? आप किसी भी पैटर्न को बीच में से लाइन लगाओ तो दोनों ओर जो पैटर्न एक जैसी दिखती है उसे बोलते हैं सिमेट्री पैटर्न, ठीक है। आपको यहाँ पर कौन सी पैटर्न सेम लग रही है? यहाँ पर हम लोग बीच में अगर हाफ लगाएंगे, मान लो कि मैं ये वाली पैटर्न चेक करना चाहती हूँ, यहाँ पर मैं बीच में से हाफ लगाऊंगी तो दोनों ओर सेम टू सेम पैटर्न आएगी, है ना। यहाँ पर अगर मैं मिरर रख दूंगी, मान लो कि मैंने यहाँ पर मिरर रखा तो मुझे ये दोनों पैटर्न सेम टू सेम दिखेगी, उसे बोलते हैं मिरर हाफ यानी कि सिमेट्री पैटर्न, ओके। सो यहाँ पर हम लोग कौन सी पैटर्न एक जैसी दिख रही है वो आपको मुझे बताना है। नाउ यू ड्रॉ सम न्यू फ्लोर पैटर्न। इसको देख के आपको दिमाग में कोई भी अगर फ्लोर की पैटर्न आ रही है तो ड्रॉ कीजिए और अपनी इमेजिनेशन से मुझे कोई ऐसी ही पैटर्न ड्रॉ करके भेजिए, ठीक है। ये रहा आपका आज का होमवर्क। आपको मुझे तीन जो हैं आंसर देने हैं। विच पैटर्न इज़ मेड इन अ सर्कल, इनमें से कौन सी पैटर्न है जो सर्कल बनी हुई है। इन विच पैटर्न यू कैन शो मिरर हाफ, जैसे मैंने आपको बताया मिरर को सामने रख के अगर सेम टू सेम पैटर्न दिखे सिमेट्री पैटर्न, आपको मुझे मिरर हाफ वाली पैटर्न जो है वो ढूंढ के दिखानी है, वहाँ पर बीच में एक आपको लाइन ड्रॉ करनी है। नाउ यू ड्रॉ सम न्यू फ्लोर पैटर्न, इसको फॉलो करके इसको कॉपी नहीं करना है बट अपनी इमेजिनेशन से आपको मुझे कोई अच्छी सी पैटर्न ड्रॉ करके भेजनी है, राइट। ये दोनों पिक्चर को ध्यान से देखिए, पिक्चर वन एंड पिक्चर टू, दोनों को एकदम ध्यान से देखिए। इसमें आपको कितनी सरफेस दिखती है, एक ब्रिक की, 1 2 3, और यहाँ पर कितनी सरफेस दिखती है, 1। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दीज आर टू फोटोज ऑफ द सेम ब्रिक, एक ही ब्रिक की, जैसे मैंने आपको बताया ये दोनों फोटो अपने जैसे ध्यान से देखी थी इसको। इन वन फोटो वी कैन सी ओनली वन फेस ऑफ द ब्रिक, एक फोटो में हम सिर्फ ब्रिक का एक ही साइड देख सकते हैं, दिखा आपको फेस माने साइड यहाँ पर, ओके। इन द अदर वी कैन सी 3 faces, सर्कल ऑफ फोटो सम शोइंग दैट 3 faces, दोनों में से कौन सी फोटो है जिसको हमें तीनों फेसेस दिख रहे हैं, तीनों फेसेस माने 3 साइड यहाँ पर, ओके, ब्रिक की। सो ये जो है वहाँ पर 1 face हम दिख सकते हैं और यहाँ पर 1 2 and ये 3 face हम देख सकते हैं, तो कौन सी फोटो हुई, ये वाली, इसमें हम ब्रिक की 3 faces देख सकते हैं, ओके। हाउ मेनी फेसेस इन ऑल डज अ ब्रिक हैव, कितने फेसेस होते हैं किसी एक ब्रिक के, आपने एक ब्रिक को देखनी है और मुझे बताना है यहाँ पर कि इसके कितने फेसेस होते हैं। यहाँ पर हमने कितने देखे, 1 2 and 3, ओके। आपको एक पूरी ब्रिक के कितने फेसेस होते हैं वो मुझे बताना है। इन एनी फेस इज एनी फेस अ स्क्वायर, किसी भी आपको ये जो पूरा पैटर्न है ये ब्रिक है, आपको स्क्वायर दिखाई दिया क्या यहाँ पर। विच ऑफ दीज आर द फेसेस ऑफ अ ब्रिक, मार्क करेक्ट। यहाँ पर ये देखिए इतनी सारी पैटर्न दी गई है, आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी ब्रिक होगी? आपने ऐसी ब्रिक कहीं देखी है, ये वाली, फिर ये वाली हो सकती है, यस, ये वाली, नो, ये वाली कर्व साइड वाली यहाँ पर वो नहीं हो सकती, ट्रायंगल शेप में भी नहीं हो सकती, ये हेक्सागन नहीं हो सकता, बट ये रेक्टेंगल जो शेप है वो हो सकता है। यहाँ पर ये पूरी चैप्टर में यहाँ पर ये जो पैटर्न दी गई है इनमें से ये वाली जो है वो ब्रिक की फेस है, बाकी का जो है वो ऐसा ही पैटर्न यहाँ पर दी गई है, राइट। फिर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दिस इज ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक, मार्क करेक्ट। यहाँ पर देखो कौन सा आपको लग रहा है कि ये ब्रिक है, ऐसे वाली ब्रिक आपने कहीं देखी है, ये वाली, फिर ये, और ये वाली देखी है, यस, ये वाली हमने देखी है, ऐसी होती है क्या, नो,